दोस्तों सब्सक्राइब करें टेक्निकल मोहनलाली यूट्यूब चैनल को, बराबर में बेल आइकन है उसे भी क्लिक करें और सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप? आशा करता हूं बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज का टॉपिक है कि हम बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट हम ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट आपको अप्लाई करना, तो किसी एमसीडी ऑफिस जाए बगैर आप अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मली बहुत यूजरों को दिक्कत आती है कि आप जाते तो हैं एमसीडी ऑफिस, वहाँ जाके आपका टाइम वेस्ट होता है और भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, आपको आने जाने में दिक्कत होती है। तो आज घर बैठे आप बर्थ सर्टिफिकेट बच्चे का अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। तो फ्रेंड, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जिसका भी बर्थ सर्टिफिकेट आपको अप्लाई करना है वो 21 दिन के अंदर का बच्चा है, 21 दिन का बच्चा है तो आप उसका बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। 21 से 22 दिन का बच्चा होगा तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि 21 दिन के अंदर अंदर का ही आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 21 दिन से एक दिन भी ऊपर हो जाता है तो फ्रेंड आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। 21 दिन के अंदर अंदर के बच्चे के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। तो फ्रेंड, कैसे अप्लाई करना होगा इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। मैं मोहन, टेक्निकल मोहनलाल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूंगा, वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें, जो इससे इन्फॉर्मेशन की जानकारी सभी को हो पाए और बिगर एमसीडी ऑफिस जाए बगैर आप घर बैठे अपने बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट बना पाएँ। तो फ्रेंड, कैसे करना होगा तो आइए सीख लेते हैं। इससे पहले मैं कहना चाहूँगा, जो भी हमारे चैनल पर नए यूजर आए उनसे मैं कहना चाहूँगा, अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड नीचे रेड कलर का बटन दिया गया है उस पर क्लिक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेशन और ऐसी टेक्निक वाली वीडियो अपलोड करते हैं जो फ्रेंड आप सबके लिए हेल्पफुल होती है। और उसके बराबर में एक छोटा सा बेल आइकन है उसे क्लिक करना ना भूलें। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं, जब भी हम कोई भी टेक्निक या इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग वीडियो अपलोड करते हैं तो फ्रेंड वो आपके पास पहुंच जाएगी, इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और सबसे पहले हमारी वीडियो को वॉच कर पाएंगे। तो फ्रेंड, इससे पहले मैं एक वीडियो अपलोड करी थी जिसके रिगार्डिंग मैंने आपको बताया था कि पीएफ आप अकाउंट को कैसे लॉगिन कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया उस वीडियो का, या उस वीडियो को भी जाके आप चेक कर सकते हैं कैसे आप अपने पीएफ अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं। तो आइए हम सीख लेते हैं कैसे हम जन्म पत्री के लिए और बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, बिल्कुल आसान तरीका है। आइए फ्रेंड सीख लेते हैं बिल्कुल आसान तरीका। तो फ्रेंड, हमें एक लिंक की जरूरत पड़ेगी जिसको मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे डायरेक्ट आप इस पेज पे आ जाएंगे। तो देख सकते हैं इस लिंक को, जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी कर सकते हैं, नहीं तो आप जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। तो आप देख लीजिए, जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा उसी स्टेप बाय स्टेप आपको देखना है, उसी स्टेप बाय स्टेप आपको अलाउ करना है, तो आप आसानी से बिल्कुल ही बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट अपने घर बैठे बनवा सकते हैं। तो फ्रेंड क्या करना होगा, देखिए इस टाइप का पेज आपका ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद फ्रेंड आप देखते हैं ये कॉलम आपको नजर आ रहा है जिसपे लिखा है यूजर लॉगिन, उसके नीचे देखिए आपको नजर आ रहा है, पहले आपको इसमें रजिस्ट्रेशन पब्लिश पे क्लिक करना है, नीचे ऑप्शन नजर आ रहा है, जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं फ्रेंड तो देख लीजिए इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने आता है। तो फ्रेंड इसके अंदर पहले बच्चे का नाम लिखना है, जिसके नाम से आपको बर्थ सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट बनाना है उसका नाम डालना है। ध्यान रखना है गलत नाम बिल्कुल नहीं डालना है, सही नाम डालना है, बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी है नाम में। तो उसके बाद फ्रेंड अपनी कोई भी एक एक्टिव ईमेल आईडी डाल देनी है। ईमेल आईडी डालने के बाद फ्रेंड क्या डालना है आपको देख सकते हैं, नीचे आपको नजर आ रहा है आपका मोबाइल नंबर, इधर अपना मोबाइल नंबर आपको इंटर कर देना है, जो मोबाइल नंबर आपका है वो मोबाइल नंबर कोई भी आपको इधर इंटर कर देना है, जैसे कि मैं अपना एक मोबाइल नंबर इधर डाल देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया, आप डाल देनी है जिसका आपको डेथ सर्टिफिकेट या आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है उसकी आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है, या वो खत्म होता है तो किस टाइम वो खत्म हुए हैं उस दिन की आपको डेट ऑफ बर्थ इधर डालनी है, या बर्थ सर्टिफिकेट बना रहे हैं तो उसकी बर्थ सर्टिफिकेट की उसकी डेट जब वो जन्म हुआ है वो दिन की आपको डेट इधर डाल देनी है। जैसे कि ध्यान रखना है आपको जो भी डालनी है वो 21 दिन के अंदर अंदर, देख सकते हैं फ्रेंड ऊपर आप देख सकते हैं ये नोटिस दे रखा है, ये जब भी आप अप्लाई करते हैं तो इधर 21 दिन के अंदर अंदर अप्लाई कर सकते हैं, इधर आप ऑनलाइन जब भी अप्लाई करते हैं तो 21 दिन के अंदर अंदर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आपको जाके किसी भी एमसीडी ऑफिस में जाके आप डायरेक्ट आपको अप्लाई करना होगा, 21 दिन से ऊपर हो जाते हैं तो।
तो फ्रेंड हम इसके अंदर डाल देते हैं अपनी, ठीक है, हमने डाल दिया इसमें एक तारीख पांचवा महीना, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद फ्रेंड देखिए इधर आ जाता है आपका स्टेट, स्टेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है, जैसे कि फ्रेंड आपको जो भी स्टेट में रहते हैं वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं इधर सिलेक्ट कर लेता हूँ उत्तर प्रदेश, तो आपको जो भी है आपका आसपास का वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट कर लेनी है, जो भी आसपास आपके डिस्ट्रिक्ट पड़ती है तो अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको सब टाइटल वगैरह सिलेक्ट कर लेना है जो भी आपका पड़ता है आसपास। इधर अपने हिसाब से फ्रेंड अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद फ्रेंड अपना देख लीजिए लोकेशन आ जाएगा। उसके बाद नीचे आपको डाल देना है इधर आपका कैप्चर कोड, जो कैप्चर कोड है वो कैप्चर कोड यहाँ पे इंटर आपको कर देना है। ध्यान रखना है जैसे कैप्चर कोड डाला हुआ है उसी क्रम में आपको कैप्चर कोड डालना है, कैपिटल में डाला है तो कैपिटल में डालना है और स्मॉल में डाला है तो स्मॉल में डालना है। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं मैंने कैप्चर कोड इस पर एंटर कर दिया। उसके बाद आपको नजर आ रहा है रजिस्ट्रेशन, उस पर आपको क्लिक कर देना। जैसे आप फ्रेंड क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं इधर आ गया थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन, आपका जो रजिस्ट्रेशन है पूरी तरह कम्प्लीट हो चुका है। और तो फ्रेंड इस पर कहा जा रहा है देखिए आया, इस लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही फ्रेंड आप क्लिक कर देंगे तो आपकी एक ईमेल आईडी पे एक ईमेल जाएगी, तो हम चेक कर लेते हैं हमारी ईमेल आईडी पे कोई ईमेल गई है या नहीं गई है। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं हमारे पास एक ईमेल आ चुकी है, इस ईमेल को आपको ओपन कर लेना है फ्रेंड। जैसे फ्रेंड इस ईमेल को आप ओपन करेंगे इसके अंदर आपके पास एक लिंक मिल जाएगा आपको जो अपनी यूजर आईडी जो है वो एक्टिव करने के लिए, तो हम इसे ओपन कर लेते हैं। तो फ्रेंड देख लीजिए हमने ये वेबसाइट ओपन कर ली है, इसके अंदर देखिए आपको नजर आ रहा है एक यूजर आईडी आ गया है, यहाँ पे लॉगिन आईडी आ गया है, नीचे रिजेक्टिव, नहीं तो आप इस लिंक पे भी क्लिक करके कॉपी करके यहाँ से भी कर सकते हैं। नहीं तो आपको क्या करना है इस यूजर आईडी जो है इसको आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद फ्रेंड इधर आपको क्लिक करना है कॉपी पे, जैसे ही आपको कॉपी हो जाता है तो इस पर लिखा हुआ है क्लिक हायर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे फ्रेंड आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो आपके एक दूसरा पेज ओपन हो जाएगा, न्यू पासवर्ड क्रिएट कर लेना है, जो भी आपको पासवर्ड बनाना है वो डाल सकते हैं जिससे आपको लॉगिन करना है। तो हम इधर एक पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं, फ्रेंड देखिए हमने रजिस्ट्रेशन जो है पूरी तरह सक्सेसफुल कर दी है। देखिए हमने यूजर आईडी पासवर्ड बनाया तो देखिए यहाँ पे आ गया यू आर अपडेट सक्सेसफुल। तो फ्रेंड हमारा यूजर आईडी पासवर्ड पूरी तरह क्रिएट हो चुका है, अब हम इसमें लॉगिन करके देख लेते हैं। तो फ्रेंड ठीक है, जिस क्रम में हमने पासवर्ड हमारा देखा था उसी क्रम में आपको अपनी यूजर आईडी डालनी है, तो हम यार यूजर आईडी डाल देते हैं अपनी। यूजर आईडी डालने के बाद फ्रेंड देख लीजिए आपको सेम उसी क्रम में डालनी है जिस क्रम में आपको आई थी। उसके बाद फ्रेंड हमने जो पासवर्ड क्रिएट किया है, जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया होगा वो पासवर्ड आपको यहाँ इंटर कर देना है, तो हम इधर अपना पासवर्ड भी इंटर कर देते हैं। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद फ्रेंड देख लीजिए नीचे आपको आ रहा है कैप्चर कोड, वो कैप्चर कोड आपको इंटर करना है, उसी क्रम में इंटर करना है जिस क्रम में लिखा हुआ है, हम कैप्चर कोड भी इंटर कर देते हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड देख लीजिए हमने कैप्चर कोड इसमें इंटर कर दिया, अब नीचे नजर आ रहा है आपको लॉगिन का ऑप्शन, उस पर आपको क्लिक कर देना है।
जैसे ही फ्रेंड आप लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपका देख लीजिए पेज पूरी तरह लॉगिन हो चुका है। ऊपर आपका देखिए नेम आ चुका है जिसके नाम से आपने रजिस्ट्रेशन किया था। देखिए मैंने जिसके नाम से किया था, यहाँ देखिए सोनू के नाम से रजिस्ट्रेशन किया था, तो यहाँ पे सोनू आ चुका है, यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू सोनू। तो फ्रेंड देख लीजिए यहाँ पब्लिश नजर आ रहा है, आप जिस नाम से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे उसको नाम यहाँ पे शो करेगा। तो फ्रेंड इसके अंदर दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं इधर आ रहा है बर्थ सर्टिफिकेट, यहाँ आ रहा है डेथ सर्टिफिकेट, तो जो आपको अप्लाई करना है वो कर सकते हैं। तो मैं आपको बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करके दिखाऊँ कैसे कैसे करना है। तो फ्रेंड बर्थ सर्टिफिकेट में देखिए रजिस्टर वगैरह कराना है तो वो सही है, उसके बाद आप देखते हैं इधर ऑप्शन नजर आ रहा है आपको एड बर्थ सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही फ्रेंड क्लिक करेंगे तो आपका देख लीजिए इस टाइप का पेज ओपन हो जाएगा। तो इस पेज पे ओपन होने के बाद फ्रेंड अपना जो भी डिटेल है आपको टाइम टू टाइम इधर उनकी डेट डाल देगी, डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, आया का मेल फीमेल सिलेक्ट कर लेना है, या उनका फर्स्ट नेम डालना है, मिडिल नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है, ठीक है फ्रेंड। इधर उनका रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, आधार नंबर हो तो डाल सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद उनका घर हाउस नंबर वगैरह जो एड्रेस है पूरा वो यहाँ पे फ्रेंड मेंशन कर देना है। दूसरे कॉलम में यहाँ पे आपका जनरल एड्रेस आ जाएगा पूरा पिनकोड के साथ, ठीक फ्रेंड। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे उनका फादर नेम डाल देना है, उनके फादर नेम का आधार नंबर डाल देना है, उनकी आईडी नंबर वगैरह डालना है वो डाल सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे उनका कंप्लीट एड्रेस डाल देना है, यहाँ पे उनका कंप्लीट एड्रेस डाल देना है, कंप्लीट एड्रेस डालने का रहेंगे परमानेंट एड्रेस डाल देना है। यहाँ पे पूरा एड्रेस वगैरह पंच करने के बाद फ्रेंड देख सकते हैं नीचे उसका नाम शो कर जाएगा, यहाँ पे उसका एड्रेस पंच पूरा कर देना है। करने के बाद फ्रेंड आपको डायरेक्ट यहाँ पे देखिए सेव का ऑप्शन नजर आ रहा है, सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही फ्रेंड आप सेव के ऑप्शन पे क्लिक करता है तो आपका जो है बर्थ सर्टिफिकेट की रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी और आपका जो सर्टिफिकेट है बर्थ सर्टिफिकेट जो है पूरी तरह अप्लाई हो जाएगा। तो इस टाइप से फ्रेंड अपना जो सर्टिफिकेट है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। मेन प्रॉब्लम आती है फ्रेंड रजिस्ट्रेशन करने में, जो मैंने आपको प्रोसेस बताया रजिस्ट्रेशन करने का बिल्कुल आसान तरीका है, इसी टाइप से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको कोई इशू नहीं आएगा। तो इस प्रकार से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और आपको फिर अप्लाई करने के बाद अपना स्टेटस देखना है तो उसमें जाएंगे आपको बर्थ सर्टिफिकेट में आपका फर्स्ट कॉलम छोड़ के सेकेंड कॉलम में आएंगे। सेकेंड कॉलम में आने के बाद क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं उधर इस पर उनकी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, यहाँ पर उसका मेल फीमेल सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद क्या आपको सर्च मार के इधर से देख लेना है कि आपका जो सर्टिफिकेट जो है बर्थ सर्टिफिकेट है पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है या नहीं बना है। तो फ्रेंड यहाँ पूरा का पूरा उसका डाटा आ जाएगा, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर आ जाएगा, नाम आ जाएगा, मदर नेम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, सारा कुछ यहाँ पे मेल फीमेल जो भी है यहाँ इसका शो कर देगा। तो फ्रेंड इस तरह से अपना जो है बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड सर्कल में सभी को शेयर करें और सभी को इसके बारे में इंफॉर्मेशन दें जो घर बैठे 21 दिनों के अंदर ऑनलाइन घर बैठे बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट बना सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। तो फ्रेंड इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा जैसे आप बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई कर लेते हैं तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट ऑनलाइन कैसे आपसे डाउनलोड कर पाएंगे बिल्कुल फ्री में फ्रेंड, कोई चार्ज नहीं लगेगा बिल्कुल फ्री में। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट आप बिल्कुल आसानी तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये वीडियो आपको कैसी लगी मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और फ्रेंड और मेरे सारे नए मेहमानों से गुजारिश करना चाहूँगा जो मेरे चैनल पर नए आए हैं अभी उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी टेक्निक और ऐसी इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग वीडियो अपलोड करता हूं फ्रेंड जो फ्रेंड आप ही सभी के लिए हेल्पफुल होती है। तो फ्रेंड आपको सब्सक्राइब के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जब भी आप हमारी वीडियो को वॉच कर रहे होंगे तो आपको देख लीजिए इस टाइप का एक सब्सक्राइबर बटन नज़र आ जाएगा नीचे, तो आप देखिए इस टाइप का सब्सक्राइबर बटन आपको नज़र आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इसके बराबर में एक छोटा सा बेल का आइकन है फ्रेंड, इस पर भी क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस बेल के आइकन पर क्लिक कर देंगे जब भी हम कोई भी टेक्निक और कोई भी इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग वीडियो अपलोड करते हैं फ्रेंड तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी और सबसे पहले हमारी वीडियो को वॉच कर पाएंगे। तो कोई ज़्यादा प्रोसेस नहीं है सब्सक्राइब का, बिल्कुल फ्री है फ्रेंड, कोई भी चार्ज नहीं लगता है। इससे आपको ये फ़ायदा हो जाएगा जब भी हम कोई भी
इंफॉर्मेशन या कोई भी टेक्निक या कोई भी एजुकेशन या वीडियो बनाते हैं और अपलोड करते हैं तो उसकी आपको जानकारी मिल जाएगी और सबसे पहले आप अपनी वीडियो को वॉच कर पाएंगे और लाभ ले पाएंगे। तो बस यही प्रोसेस था फ्रेंड, और अब मैं वीडियो का अंत करता हूँ। फ्रेंड अंत करने से पहले फ्रेंड कहना चाहूँगा कि वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक जरूर कर दें फ्रेंड, और फ्रेंडों में शेयर भी कर दें, और कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और फ्रेंड अब मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय।